हे गाइस, वेलकम टू इंडियन ब्लॉगर तृप्ति चैनल। तो आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं बालकनी मेकओवर का वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, गणपति, तो मैंने सोचा मैं मेरे बालकनी का मेकओवर करूँ। तो आपको भी कुछ आइडिया लगे, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो इस वीडियो के लिए मैंने जो कुछ भी ऑनलाइन परचेज किया है या जो कुछ भी आइटम्स मैंने मेरे डेकोर में शामिल किए हैं, उनको मैं आपको दिखाऊं, या उनके आपको चाहे तो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको मेरे बालकनी मेकओवर के लिए जो भी चीज़ें मैंने परचेज की है ऑनलाइन से, वो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, और उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करने हैं। तो चलिए, मेरा फर्स्ट आइटम मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट परचेज है, जो कि एक जूट बास्केट है, या प्लांटर भी आप कह सकते हैं। इसमें आप प्लांट के साथ प्लांटर रखेंगे तो ये बहुत सुंदर दिखता है दिखने में, और आपके डेकोर में भी बोहेमियन सा लुक लेके आता है। तो ये है मेरा फर्स्ट परचेस, जूट बास्केट। ऐसे मैंने तीन लिए हैं, तो एक एक करके मैं वो भी आपको दिखा। ये सेकेंड बास्केट है मेरा, ये भी अगेन जूट का ही है, और इसे ये हैंडल दिए हुए है, तो ये भी बहुत सुंदर दिखेगा जब आप इसमें प्लांट्स रखेंगे। तो मेरा तीसरा प्लांटर है, या तीसरा जूट बास्केट है, तो ये भी बहुत सुंदर दिखता है। ये दो के कलर में है, ब्लैक एंड ये जूट का कलर है, तो ये भी बहुत सुंदर दिखता है। तो ये हो गए मेरे तीन प्लांटर बास्केट, जूट बास्केट। ये ऐसे आर्टिफिशियल कैंडल होल्डर्स, ये बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स है, ये मैंने दो के सेट में लिए है। ये एक वाइट कलर में है और ये एक ब्लैक कलर में है, तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर दिखता है। और जब आप इस पे कैंडल्स लगाते हैं शाम के वक्त, तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है और आपके डेकोर में अलग सा ही टच लाता है, आपके डेकोर में चार चांद लगाता है। तो ये है मेरा अगेन एक परचेस, जो कि बालकनी मेकओवर के लिए मैंने लिया है। मैं ऐसे प्लांटर लिए है, हैंगिंग प्लांटर, जो कि अलग अलग से कलर में है, और इसे ये हैंडल्स भी दिए हुए हैं पीछे के साइड पे, तो ये रेलिंग पे हैंग करने के लिए बहुत अच्छा है, और प्लास्टिक का होने के कारण ये इसे जंग भी नहीं लगेगा। हैंगिंग प्लांटर्स 10 का सेट है ये, अलग अलग कलर का, आप एक कलर्स के भी ले सकते हैं, तो इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये बड़े साइज का है और छोटे साइज के भी मैंने लिए हैं, तो उनका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बालकनी डेकोर के लिए सॉफ्ट फर्निशिंग भी आपको लगता ही है, तो इसलिए मैंने ये फ्लावर प्रिंटेड, पेस्टल फ्लावर प्रिंटेड का ये कुशन कवर मैंने दो के सेट में लिए है ऐसे, तो ये भी बहुत सुंदर दिखेगा जब आपके चेयर्स वगैरह पे आप ये रखेंगे, तो ये बहुत सुंदर दिखता है। और अभी बारिश का सीजन है, तो ये फ्लावर प्रिंट बहुत ही फ्रेश और अलग सा ही लुक देते हैं आपके डेकोर में, तो ये भी मैंने मेरे डेकोर में शामिल किए हैं। तो बालकनी डेकोर हो और मैट तो हम रखते ही है, चाहे बैठने के लिए हो या फिर इस पे आप चेयर वगैरह भी रख सकते हैं, ताकि नीचे का फ्लोर गंदा ना हो या अच्छा दिखे। इसलिए जब आप आर्टिफिशियल ग्रास लगाएंगे तो भी ये लग सकता है,
और नहीं रखेंगे तो भी ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये राउंड शेप में अगेन ये जूट का ही मैट है पे, तो यही बहुत सुंदर दिखता है, आपके डेकोर में अलग सा ही टच लाता है। तो ये 60x60 का है, ये इस तरह से ये भी बहुत सुंदर दिखेगा जब आप इस पे इसे बिछा के रखेंगे। तो टेटल बगुला सेट है ये, इस तरह से इसका लेंथ है, ये मेटल के दो बगुला सेट है इस प्रकार से, इस तरह से ये दिखते हैं। तो ये दो बगुला सेट है और शाम के वक्त आप इस पे कैंडल्स लगा के इस होल से बहुत ही सुंदर दिखेगा जब आप ये जला के रखेंगे। तो ये बगुला सेट भी मेरे डेकोर में मैंने शामिल किया है, तो इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर डेकोर है, मेरा डेकोर आइटम बहुत सुंदर दिखता है, तो ये भी मैं मेरे बालकनी मेकओवर में शामिल करूंगी। तो ये कप रखने के लिए इस तरह से ये प्लेट्स है, वुडन के है ये, तो ये कप्स रखने के लिए मैंने इस्तेमाल करूंगी इसका। तो ये भी बहुत सुंदर दिखेगा, इस तरह से आप इसे रख सकते हैं। तो केटल शेप में है और फिर भी ये बहुत सुंदर दिखता है, और जब आप इस पे कप्स वगैरह रखेंगे या पानी के ग्लास वगैरह रखेंगे तो आपकी जगह बहुत क्लटर या बहुत गंदी नहीं दिखेगी, बहुत अच्छा रहेगा आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी मैं मेरे डेकोर में शामिल करूंगी, भी मैं मेरे डेकोर में शामिल करूंगी। इस पे आप सेंट छिड़केंगे तो ये शाम के वक्त या ऐसे ही आप रखेंगे तो भी आपका एनवायरनमेंट बहुत ही स्मेली होगा, अच्छे से स्मेल करेगा। तो ये भी मेरे में डेकोर में शामिल करूंगी, कप या केटल वगैरह रखने के लिए आसानी हो। और एक ट्रे ऐसा आप रखेंगे तो आपको कैरी करने में भी आसानी हो, तो इसलिए मैंने ये वुडन ट्रे मेरे डेकोर में शामिल किया है। टूल है, इसे भी ऐसे कर्व करके मेटल वर्क किया हुआ है इस पे, और ये सीटिंग के लिए भी आप रख सकते हैं या आपकी चीजें रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। तो ये भी मैंने मेरे डेकोर में शामिल किया है, तो इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी, मैंने मंगाए है। तो ये भी जलने के बाद बहुत सुंदर दिखते है और बैटरी ऑपरेटेड है, इसके लिए आपको स्विच बोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और लगाने के बाद ये बहुत सुंदर दिखता है।